अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आमिनाज बेवर्ची खाना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सहर और अफ्तार में बहुत मसरूफ़ होंगे। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में तीन रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ जो कि परफेक्ट फॉर अफ्तार है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फुल्की चाट और साथ बनेगी बहुत ही टेस्टी गार्लिक फ्लेवर वाली स्पाइसी चटनी जिसको आप किसी भी चाट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फुल्की बनाने के इंग्रेडिएंट्स बता दूं। इधर हमने हाफ कप बेसन ले लिया है, इधर मैंने एक कप मूंगी की दाल का पाउडर लिया है। यह आपको मार्केट में भी अवेलेबल होगा और आप घर में भी बना सकते हैं। मैंने इसको घर बनाया है। एक कप मूंगी की दाल ली थी मैंने, उसको मैंने वॉश कर लिया एंड देन उसको ड्राई कर लिया। जब मूंगी की दाल ड्राई हो गई तो मैंने उसको ग्राइंडर में पीस लिया। ये है भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ इसमें मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा जाएगा, सॉल्ट और साथ हम पानी यूज कर रहे हैं इस बैटर को बनाने के लिए। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए, बहुत गाढ़ा भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो। और आप इसको जितना फेंटेंगे, जितना उसको बीट करेंगे, आपकी फुल्कियाँ उतनी ही अच्छी बनेंगी। फुल्कियाँ सब रेडी हो गई हैं। आपने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है पहले, फिर आपने इसको नॉर्मल वाटर में इनको सोक करना है 4-45 मिनट्स और बाकी फुल्कियाँ जो हैं वो आप अच्छे से बैग्स में डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं। सॉस बनाते हैं। मैंने 3 क्लॉव्स ऑफ गार्लिक, 2 हरी मिर्चें, 1/2 कप धनिया और 1/2 कप पुदीना लेके थोड़ा सा पानी ऐड किया है एंड देन इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड के बाद आपने 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल देना है। की चाट के लिए मैंने फुल्कियों को अच्छे से निचोड़ लिया था। 1/2 कप बॉयल आलू जा रही है। 1.5 कप मैं दही यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। साथ आप इसको गार्निश करने के लिए अपना फेवरेट सैलड यूज़ कर सकते हैं। फाइनली फुल्कियाँ एंड फुल्की चाट आर रेडी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज एंड वीडियो, प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।